नमस्कार गूगल यूट्यूब में सबका स्वागत करता हूँ। कर दीजिए सब्सक्राइब ब्रूबंग चैनल को और लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ बेल वाला जो आइकन है वो ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आज मैं बताने वाला हूँ कि ये तीनों फोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो देखिए तीनों मॉडल इधर है। अभी क्या क्या है, M12 सैमसंग गैलेक्सी का M12, दूसरा है ये रियलमी का नार्जो 30A और थर्डली है रेडमी का 9 पावर। तो तीनों फोनों का अभी करते हैं, मतलब तीन फोन कौन से चीज़ों में डिफरेंसेस है। तो ये जो तीनों फोन है, ये तीनों फोन ही LG वोल्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो दो फोन है, ये दोनों का प्राइस लगभग सेम है, मतलब Redmi 9 Power और Samsung Galaxy 12 का जो प्राइस है वो लगभग सेम है, ये थोड़ा चीपर है। तो अभी बताते हैं कि ये तीनों में कौन सा प्रोसेसर है। तो पहला वाला जो है Samsung Galaxy M12, इसका प्रोसेसर जो है वो Exynos का है 850, और ये तीनों ही फोन का जो प्रोसेसर है वो ऑक्टाकोर है। और ये जो फोन का प्रोसेसर है ये 8nm में बेस्ड है, मतलब Samsung Galaxy M12 का प्रोसेसर जो है वो 8nm में बेस्ड है। Narzo 30 का जो है वो MediaTek का है, MediaTek का G85 प्रोसेसर है। ये कह रहा है कि ये गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। और ये जो प्रोसेसर है ये 12nm पे बेस्ड है। और थर्डली जो है Redmi 9 Power, ये प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 662 और ये बहुत स्टेबल प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर जो है वो 11nm पे बेस्ड है। अभी कर लेते हैं तीनों के डिस्प्ले जो है, तीनों ही फोन का डिस्प्ले जो है वो IPS LCD डिस्प्ले है, कोई भी डिस्प्ले AMOLED नहीं है। और जो सबसे उम्दा डिस्प्ले क्वालिटी इधर बताया जाता है वो Samsung Galaxy M12 का है। इसका जो मतलब डिस्प्ले क्वालिटी है वो 90Hz तक आता है। और दूसरे तीसरे बात जो है कि इस फोन का जो बैटरी है वो ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। अभी कर लेते हैं OS, तीनों ही फोन एंड्रॉयड OS में बेस्ड है। और मतलब Samsung Galaxy M12 जो है वो एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है और बाकी दो फोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। अभी कर लेते हैं इसका कैमरा स्पेसिफिकेशन। Redmi 9 Power का जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और ये और दूसरा वाला कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, और दो दो कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और साथ में LED फ्लैश दिया गया है। और इस फोन में 180 पिक्सल पर 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तीनों ही फोन का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 30fps और 180p पे है, लेकिन Realme Narzo का जो है वो 30mp का मेन कैमरा है और बाकी 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। अभी कर लेते हैं फ्रंट कैमरे के बाद। तो तीनों ही फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और तीनों ही फोन का जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर है वो 180p और 30fps का है सेल्फी कैमरा में। अभी कर लेते हैं सबसे बड़ी बात, इस फोन का सबसे बड़ी बात जो है वो है 600 mAh की बैटरी। तीनों ही फोन का बैटरी जो है वो 600 mAh पे जाता है, लेकिन Samsung का जो मतलब चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ा कम है, वो 15 वाट पे आता है, और Narzo और Redmi का 18 वाट का फास्ट चार्जर है। तीनों ही फोन में टाइप सी केबल दिया गया है चार्जिंग के लिए। और सबसे यूनिक चीज जो बनाता है वो Redmi 9 को बनाता है, वो EOS 2.1 और 2.2 के साथ आता है, मतलब डिफरेंस ऑफ वेरिएंट, मतलब 128GB का जो वेरिएंट है वो 2.2 EOS पे आता है। अभी देख लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट कौन कौन सा है।
ये दो जो दोनों फोन है Redmi और Samsung Galaxy M12, ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट पे आता है, लेकिन Narzo का रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट आता है। अभी कर लेते हैं तीनों की कौन से कलर में अवेलेबल है। जो Samsung Galaxy है वो चार कलर में अवेलेबल है, अट्रैक्टिव ब्लैक, एलिगेंट ब्लू, ट्रेंडी ग्रीन, न सॉरी ये तीनों कलर में अवेलेबल है, लेकिन Narzo 30 टू कलर में अवेलेबल है, लेजर ब्लैक और लेजर ब्लू। और Redmi 9 पावर जो है वो चारों कलर में अवेलेबल है, मल्टी ब्लैक, फेरी रेड, इलेक्ट्रिक ग्रीन और बेजल ब्लू के साथ आता है। तो सब कुछ बता दिया मैंने, लेकिन जो प्राइस है वो सबसे कम Narzo 30 का है और इसमें G85 का प्रोसेसर आता है। लेकिन अगर देखा जाए डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर, तो डिस्प्ले क्वालिटी सैमसंग का भी बहुत अच्छा है, तीनों फोन का ही ओवरऑल अच्छा है, लेकिन Redmi 9 पावर में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो है फुल HD डिस्प्ले मिलता है, मतलब 180x2340 पिक्सल का डिस्प्ले मिलता है। और ये जो दोनों फोन है ये 720x600 पिक्सल में बेस्ड है। तो जो जो बात मैंने बताया इसको ध्यान में रखते हुए आपको कैसा लगता है ये फोन, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताना। खत्म। टाटा, गुड बाय।